भाई जो मुझसे मिलना चाहते हैं भाई, सबसे पहले शोरकोट के सबसे बड़े पार्क बाहू पार्क में आए, उधर ट्रेन का टिकट पकड़े। तो गाइस अभी मैंने उसको बिठा दिया पीछे और अभी देखिएगा, ये देखें ये पार्क का एंड वाला हिस्सा, यहाँ ये नजर ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू दी वेरी वेरी डिफरेंट व्लॉग। तो गाइस आज हम आए हुए हैं शोरकोट के सबसे बड़े पार्क में, जिसका नाम है भाई बाहू पार्क। तो इधर हम आए हैं और आपको भाई सारा विजिट करवाएंगे आज पार्क। हमने तो पहले विजिट किया हुआ, लेकिन आपको आज सारा इसका मुकम्मल विजिट करवाएंगे। तो लेट्स गो गाइस। सबसे पहले इधर है भाई बाइक और कार पार्किंग के लिए ना स्टैंड वगैरह है इधर। तो उसके बाद ये है भाई इसका एंट्री गेट। तो अभी हम चलते हैं और आपको सारा पार्क जो है ना विजिट करवाते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन को भी दबा दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। गाइस बाहर का माहौल आप देख सकते हैं भाई। ये है जी इसका एंट्री गेट। तो भाई अभी हम पार्क में जो है ना वह एंटर हो गए हैं। इधर देखें भाई पार्क का माहौल। इधर गाइस इन्होंने काफी ज्यादा गमले छोटे छोटे भी रखे हुए हैं, और इधर भाई देखें आप बड़े बड़े गमले पड़े हैं और इनमें खूबसूरत पौधे। इधर आप सारे गमले वगैरह देख सकते हैं, वो ऊपर भी है भाई, ये देखें। अभी गाइस हम चलते हैं भाई झूलों वाली साइड पे। इधर हैं भाई झूले तीन चार किस्म के, तो वो भी आपको विजिट करवाते हैं। और भाई अभी दिन हो गए हैं यार झूले लिए हुए, तो अभी आज जाके भाई झूले भी लेते हैं। गाइस ये है शीशा, तो अभी हम भाई इस पे बैठते हैं। मेरा दोस्त इस तरफ बैठेगा, मैं उस तरफ बैठता हूँ, तो भाई अभी देखेंगे वजन किसका ज्यादा है। तो गाइस अभी मैं बैठ गया हूँ, तो भाई मेरा दोस्त भी बैठ गया, कैमरा मैन भाई वही कर रहा है। तो अभी देखते हैं भाई, पाँव मैं ऊपर उठाता हूँ, ये देखे भाई मेरा वजन ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने उसको भाई आगे की तरफ बिठाया हुआ है इसी वजह से। तो अभी वो बैठेगा पीछे, तो फिर आपको दिखाते हैं भाई पीछे बैठ। तो गाइस अभी मैंने उसको बिठा दिया पीछे और अभी देखिएगा, ये देखें गाइस इस पे इतना ज्यादा यार मजा नहीं आया क्योंकि जो हमारा वेट था ना भाई वो डिफरेंट था, तो एक तरफ बैठ जाता था एक तरफ से ऊंचा हो जाता था, इसी वजह से किसी और झूले पे देखते हैं भाई। इधर है भाई झूले, तो अभी हम भाई ये झूले लेने लगे हैं। ये देखो A few moments later. इस झूले वगैरह ले लिए यार, इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो इधर है भाई पार्क की कैंटीन है, तो जो अभी बंद पड़ी है, खाने वगैरह का प्रोग्राम था लेकिन ये अभी बंद पड़ी है क्योंकि शाम को मुझे लगता है ओपन होती है, तो इसी वजह से हम बाकी आपको विजिट करवा के फिर चलते हैं भाई। इस प्लॉट को लगा हुआ है भाई पानी, ये देखें ये पानी से भर ही गया, थोड़ा सा रह गया। और इधर भी भाई इस प्लॉट को भी पानी लगा हुआ, और सामने स्लाइड स्लाइड पे भी चलते हैं, वो थोड़ी सी अभी उधर पानी नहीं गया उस पे चलते हैं। और इधर भाई मजे की बात ये देखें भाई, इधर है बेड़ा कश्ती और साथ में इसके ट्रेन। गाइस ये है बेड़ा जो कि भाई इस वक्त बंद पड़ा है, तो ये पता नहीं हमें किस वक्त भाई चलता है, लेकिन अभी आवाम वगैरह नहीं है, शाम के टाइम आवाम वगैरह आती है तो शायद उस वक्त चलता हो। और इसके साथ है भाई इधर ट्रेन जो कि वो भी बंद पड़ी है, तो वो भी शाम टाइम ही चलती होगी जब आवाम वगैरह ज्यादा आती होगी। तो अभी तो कोई भी नहीं इधर है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, तो आवाम वगैरह तो ज्यादा शाम को ही आती है, इसी वजह से शाम को वो चलाते होंगे, तो अभी सिर्फ आप विजिट कर सकते हैं। हम जब बेड़े के ऊपर मैं आ गया हूँ भाई, इधर से आप पूरे पार्क का जो है ना व्यू देख सकते हैं, ये देख बहुत बड़ा पार्क है। ये देखे गाइस ये है भाई छोटी सी ट्रेन, और इधर लिखा हुआ है शोरकोट से रावलपिंडी इस्लामाबाद, और उसके बाद भाई इधर लिखा हुआ है खानेवाल लाहौर, ये आगे मुल्तान है, कराची है, फैसलाबाद, जंग। इधर से बैठ के आप भाई कहाँ भी जा सकते हैं, मुल्क के किसी भी कोने पे जाना हो तो इस ट्रेन पे बैठे, और सिर्फ इसकी मामूली सी 50 रुपए या 100 रुपए टिकट होगी, तो भाई इससे आप पूरा पाकिस्तान जो है ना विजिट कर सकते हैं। इधर कोठी अड्डा भी लिखा हुआ है और भाई 25 पुल भी लिखा हुआ है, जो भाई जो मुझसे मिलना चाहते हैं भाई, सबसे पहले शोरकोट के सबसे बड़े पार्क बाहू पार्क में आए, उधर से ट्रेन का टिकट पकड़े और भाई उधर से बैठे सीधा आए भाई कोठी अड्डे पर, उधर से उतरे और भाई उधर से किसी से पूछ के वसाई जट के घर आ जाए और मुझसे आकर मिल लें। मैंने कुछ ये गाइस इधर देखें बाकी सारा यार, इधर ग्रासी प्लाट वगैरह सारे इधर एंड तक, ये देखें आपको जूम करके दिखा दूं, एंड तक सारे ग्रासी प्लाट हैं। इधर इतने ज्यादा कोई देखने वाली चीज नहीं है, बाकी विजिट आप कर लें। गाइस इधर से स्कूल से भाई लड़के मार के आए हुए हैं बंक, तो भाई इधर बैठे हुए हैं पार्क का एंड वाला हिस्सा, यहाँ ये नजर ना आए। इधर गाइस देखें भाई इन दरख्तों का जाल बरजूमिया जो है ना वो ऊपर से भाई फ्लाई ओवर किया हुआ है। इधर से भाई पार्क जो है ना काफी ज्यादा खूबसूरत है। Thank you.
बाकी गाइस सारे पार्क का आपने माहौल वगैरह जो है ना विजिट कर लिया है, तो अभी हम जाने लगे हैं घर। तो इधर ही व्लॉग का कर रहे हैं एंड लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।